श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव की काउंटिंग इस वक्त जारी है। कांग्रेस के रुपेंद्र सिंह 2402 वोटों से अब आगे चले गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है कि छठवां राउंड पूरा हो गया है और 2402 वोटों से अभी भी कांग्रेस के रुपेंद्र सिंह आगे बढ़त बनाए हुए हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आया है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी बीजेपी के उम्मीदवार अभी भी पीछे ही नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस के रुपेंद्र सिंह पर जनता ने काफी भरोसा जताया है। अशोक फोन लाइन पर हमारे साथ है। अशोक, बड़ा अपडेट क्योंकि इस बार एक बार फिर काउंटिंग के रिजल्ट निकलकर सामने आए हैं। बिल्कुल, देखिए ममता, छह राउंड के परिणाम हमारे सामने आ चुके हैं और छह राउंड के परिणाम में भी कांग्रेस के रुपेंद्र सिंह और सुरभि कुंदन ने अपनी बढ़त को बरकरार रखा है। छठे राउंड के बाद कांग्रेस के रुपेंद्र कुंदन 2402 वोटों से लीड कर रहे हैं। पहले राउंड में बेशक कांग्रेस के रुपेंद्र सिंह कुंदन पिछड़े थे, लेकिन दूसरे राउंड से लेकर छठे राउंड की समाप्ति तक कांग्रेस के रुपेंद्र सिंह कुंदन के द्वारा न केवल अपनी बढ़त को बरकरार रखा गया है, बल्कि बढ़त को लगातार बढ़ाया भी जा रहा है। अब हम देख रहे हैं कि जहां दूसरे राउंड में वो महज 184 वोटों से ही लीड कर रहे थे, लेकिन छठे राउंड की समाप्ति तक उनकी ये बढ़त 2402 वोटों तक पहुंच चुकी है। हालांकि अभी छह राउंड ही हुए हैं, अभी भी करीब एक दर्जन राउंड होना बाकी है। तो ऐसे में जैसे जैसे राउंड के परिणाम हमारे सामने आते जाएंगे, हम न्यूज 18 के सभी दर्शकों को सबसे पहले करणपुर विधानसभा सीट के चुनाव परिणामों के बारे में जानकारी उपलब्ध करा देंगे। जी ठीक है अशोक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं कि काउंटिंग इस वक्त लगातार जारी है। छठे राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो गई है। अब सातवां राउंड शुरू हो गया है और अभी भी जो है कांग्रेस से यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। सुरेंद्र पाल टीटी बीजेपी के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। रुपेंद्र सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी 25,688 वोटों के साथ आगे हैं। तो ये जो आंकड़ा है वो लगातार निकलकर सामने आ रहा है और ये अभी भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब देखना होगा कहीं ये मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी के लिए आंकड़ा ना खड़ा कर दे, क्योंकि जो डिफरेंस है वो बढ़त का वो बढ़ता जा रहा है।